अभी ये ड्राइवर साहब आया था बेंगलोर से, जब इसकी लाश वापस जाएगी तो कहाँ से वो यही बोला जाएगा ये शोपियां मंडी से लाश। एक साल से एक साइन के लिए हमारी जो फाइल है वो डीसी ऑफिस में पड़ी है। ये छठवा के ये आठवा ब्लॉक है। पिछले साल भी दो ऐसे तमिलनाडु के जो ड्राइवर थे पार्ट पार्ट में सर्दी की वजह से, आपको पता है कि शोपियान में बाकी डिस्ट्रिक्टों से टेम्परेचर 5-6 डिग्री कम रहता है, ये लोग बेचारे बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। गाड़ी में इन्होंने मतलब कल भी मतलब जो हमने अभी सुना कि इसने थोड़ा सा कोयला जलाया, ऑक्सीजन की वजह से सर्दी की वजह से इसकी मौत हुई। ये बेचारा 2 पैसे कमाने आया था यहाँ। ये हजारों मीट्रिक टन हमारी मंडी से जा रहा है, हजारों करोड़ की यहाँ टर्नओवर है, 50 लाख तो इस गेट का जो अभी हॉर्टिकल्चर यहाँ से ले रहा है, वो कोई फैसिलिटी नहीं रखी उन्होंने डेवरों के लिए। हम बार बार 8 साल से हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं हर किसी ऑफिस में, हमारा कोई सुनवाई नहीं। अभी ये ड्राइवर साहब आया था बेंगलोर से, जब इसकी लाश वापस जाएगी तो कहाँ से वो यही बोला जाएगा ये शोपियां मंडी से लाश। तो इससे हम गवर्नमेंट से फिर गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके हमें कोई छोटा सा जगह दे दो, जहाँ पे हम ड्राइवरों के लिए, हमें अपने लिए नहीं है, हम ड्राइवरों के लिए बना देंगे, हमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं चाहिए, हम खुद अपने जेब से बनाएंगे। ड्राइवर साहब बेचारा गरीब है, जिसको यहाँ से एम्बुलेंस मिलनी चाहिए। अगर ये तेल के पैसे खर्चा हम दे देंगे, लेकिन गाड़ी दे देना। अगर वो भी नहीं हो सका तो हम फिर जी आयर मतलब बायर भी भेज सकते हैं। हाँ, जितना इसमें खर्चा आएगा हम ट्रांसपोर्टर सारे मिलजुल के जितना भी इसको खर्चा लगेगा। बहुत बड़ी बात है, यानी कि बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि फटाफट उसकी लाश घर पहुंचनी चाहिए। व्यवस्था नहीं है भैया, सर्दी बहुत ज्यादा है जी, इधर परेशान है सारे डिलीवर, सर्दी में कहाँ बचे, गाड़ी में बैठे तो जब भी सर्दी लगती है। अब आदमी ऐसा होना चाहिए कि भाई आग लगा के आदमी ढंग से कमरे में बैठ जाए तो सर्दी में बच जाए।